हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल प्रेप ऑनलाइन। दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स, एक वो जो अभी 12th स्टैंडर्ड के साथ में नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और दूसरे कैटेगरी के वो स्टूडेंट जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड के बाद में ही 11th स्टैंडर्ड से ही नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ये दोनों टाइप के स्टूडेंट्स अभी दो क्वेश्चंस ऐसे फेस कर रहे हैं जो उनकी प्रिपरेशन में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। ये दो क्वेश्चंस क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, हाउ टू स्टार्ट बायोलॉजी फॉर नीट इफ माई 11th क्लास इज नॉट गुड। मतलब आपकी 11th क्लास जो है दोनों टाइप के स्टूडेंट्स की अच्छी नहीं थी, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अब 12th के साथ में हम 11th को कैसे लेकर के चले। दूसरा क्वेश्चन, अब अगर नहीं है तो सर हमें कैसे पढ़ना चाहिए 11th को, तो व्हाट इज द सिस्टमैटिक वे और सीक्वेंस टू कंप्लीट एंटायर 11th अलॉन्ग विद 12th। तो सर कुछ तो बता दीजिए, क्या आपके पास कुछ ऐसा गाइडेंस है या फिर आपके पास कुछ ऐसा जादू है जो आप हमें बताएं और 11th जो है हमारे 12th के साथ साथ में क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल ये वीडियो आपके इसी क्यूरियोसिटी का आंसर देने के लिए बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखिए आपका 11th का सिलेबस। आपको पता है 11th का बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, टोटल 22 चैप्टर्स है। अब इन 22 चैप्टर्स को जो आपके अच्छे नहीं थे, इनको हम कैसे पढ़े सर 12th के साथ में। तो 12th के चैप्टर जिनको आपको करना है इस साल, अब ये आपके बोर्ड में भी आएंगे, इन्हीं से क्वेश्चन आपको पूरा पेपर लिखना पड़ेगा और इन्हीं से ही नीट में भी क्वेश्चंस आएंगे। तो क्या सर 11th का क्या 12th के साथ में कोई लिंक है या फिर कुछ ऐसा कोई सीक्वेंस है जिसको लेकर के हम 12th पढ़ते पढ़ते 11th के चैप्टर्स भी कंप्लीट करते हैं? तो बिल्कुल है। तो यही मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि आप ये रिप्रोडक्शन वाला यूनिट जो है, अगर हम रिप्रोडक्शन वाले यूनिट को सबसे पहले कंप्लीट करने की अगर सोचते हैं, तो ये यहाँ पर टोटल आपके पास में 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स हैं। तो इस रिप्रोडक्शन वाले यूनिट को करने से पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके लिए जो नीड है वो 11th के दो, यानी कि यहाँ पर आप देखिए कि द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम एंड मॉर्फोलॉजी एनाटोमी। अब आप कहेंगे कि सर ये लिविंग वर्ल्ड को और बायोलॉजिकल प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, ये कैसे नीड है? तो आपको बता देते हैं कि ये जो एनिमल मॉर्फोलॉजी और ये एनाटॉमी, ये दो चैप्टर्स हैं, ये आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में हेल्प करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर को पढ़ने में हेल्प करते हैं, ओके। ये दो चैप्टर्स, इनके अलावा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, अगेन अगर मैं बात करूं तो ये दोनों चैप्टर्स को पढ़ने के लिए ये आपके लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम हेल्प करेंगे। यहाँ की नॉलेज वहां पर आपको पूछी जाएगी, बार बार यहाँ पर लाइन लिखी हुई मिलेगी, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो ये इन्हीं चैप्टर्स की बातें करेंगे। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि आप इस रिप्रोडक्शन वाली यूनिट को पढ़ते पढ़ते आप ये करेंगे लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, इनको आप निपटा लीजिए। जैसे कि वो 12th वाले चैप्टर्स के साथ में ये बैक में आपके ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा अगर बात करें कि सर ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, तो ये वाला जो यूनिट है, ये वाला आपको कब पढ़ना है? जब आप आगे के लिए जब आओ तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, तो जब आप ये कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट यूनिट जब आप 12th की पढ़ो, तो आपको रिक्वायरमेंट है उसके आगे के ये क्वेश्चन, ये चैप्टर्स की, ये चैप्टर्स आपके कंप्लीट होंगे, इनको आप उनके साथ में पढ़ते जाइए। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन के लिए आपको इनकी नीड पड़ती है, जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की, सेल साइकिल, सेल डिवीजन के कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आप इन चैप्टर्स को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को पढ़ने के लिए स्टार्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके वो चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और इनका नॉलेज भी आपको एक सिंक्रोनाइज हो जाएगा, तो आपको एक यूनिट के फॉर्म में दिखेगा पूरा बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सर ये आपके पास में आगे है प्लांट फिजियोलॉजी पूरा, ये प्लांट फिजियोलॉजी का एक यूनिट है पूरा, ये कहां पर वर्क करेगा? एक्चुअली क्या मैं बताऊं आपको कि प्लांट फिजियोलॉजी जो है एक बहुत ज्यादा वास्ट एक यूनिट है, उसमें जो एनसीईआरटी के अंदर जितना दिया गया है वो बहुत बेस्ट दिया गया है। ये यूज आपको 12th स्टैंडर्ड के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी आती है, इकोलॉजी के अंदर यूज, यानी कि ये जो आपकी इकोलॉजी यूनिट है, जब आप इकोलॉजी पढ़ने जाते हैं तो जैसे
यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा चार चैप्टर आपके इकोलॉजी के है। वैसे तो इकोलॉजी के अंदर पूरी बायोलॉजी का नॉलेज लगता है, लेकिन मैं बेसिकली बात करूँ 11th स्टैंडर्ड के जो वो प्लांट फिजियोलॉजी वाला जो यूनिट है, वो बेसिकली जहां पर कन्वर्ज होता है मैक्सिमम। वैसे तो सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं रोल है उसका, लेकिन इन चैप्टर्स में उसका ज्यादा रोल होता है। तो जब आप इकोलॉजी पढ़ो, उससे पहले आप प्लांट फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स को पढ़ लीजिए, ठीक है? वो यहाँ पे लिंक हो जाते हैं आपके आकर के। अब बचते हैं बायोटेक्नोलॉजी और उसके प्रिंसिपल की बात, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और स्ट्रेटजीज, इनकी बात अगर हम करें तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको ह्यूमन के सिस्टम पूरे पता होने चाहिए। इवन मैं तो ये कहूंगा कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये चैप्टर्स भी पढ़ने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है उसकी पूरी फिजियोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप एक्चुअली क्या है कि जब ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये वाले चैप्टर पढ़ने जाते हो, तब या फिर मैक्सिमम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर या इवोल्यूशन वाला चैप्टर जब आप पढ़ते हो, तो उससे पहले आपको ह्यूमन के बारे में सारा सब कुछ पढ़ लेना चाहिए। यानी कि जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करते हो, उसी टाइम पे ही आप इनको भी पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं और इनको पढ़ना चालू कर सकते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर पढ़ना हो, उससे पहले इस एंटायर ह्यूमन फिजियोलॉजी को आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसे करके क्या होगा कि 12th को पढ़ते पढ़ते आपके 11th जो है उसका एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस के अंदर आपका 11th और एक स्ट्रेटेजिक वे में और एक बेनिफिशियल मेथड में, मतलब 12th पढ़ते पढ़ते 12th के चैप्टर पढ़ने के लिए जो नॉलेज रिक्वायरमेंट है उनके लिए आप पढ़ रहे हो। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इनको पढ़ने का कि आपके 12th को पढ़ने में ये हेल्प करते हैं, तो वो पढ़ना, वो बेटर पढ़ने के लिए हम इस हेल्पिंग टूल को भी कवर करते जा रहे हैं। तो ऐसा करते करते एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आप जब चले, तो आपका 12th भी कंप्लीट हो गया बहुत अच्छी तरीके से और 11th भी कंप्लीट हो गया बहुत अच्छी तरीके से। तो यही तो आपका ऑब्जेक्टिव था, एक टारगेट था जिसको आपको कंप्लीट करना था, कि 12th के साथ में 11th को भी कंप्लीट करना था। तो ये मेरा एक इस वीडियो के अंदर आपको कहने का और एक सिस्टमेटिक वे को बताने का एक तरीका था, ठीक है? अब मैं बात करूं ये चैप्टर जो आपके बायोटेक्नोलॉजी है, स्ट्रेटजीज और माइक्रोब्स, ये इंडिपेंडेंट चैप्टर से बेसिकली देखा जाए तो इन दो चैप्टर्स में पूरी बायोलॉजी की नॉलेज लगती है। बेसिकली सेल वाली नॉलेज, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला जो चैप्टर है उसकी सेल साइकिल, सेल डिवीजन, इनकी नॉलेजेस जो है वो थोड़ी काम में आती है। तो आप पहले ही उनको कर चुके हो यहाँ पे सेल वाले चैप्टर्स को, तो ये चैप्टर पढ़ते टाइम पे वो नॉलेज आपके बैकग्राउंड में चलती रहेगी। और ये दो चैप्टर्स हैं जो एक पूरी बायोलॉजी जो है उसका नॉलेज रखते हैं, एक पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसको आप इंडिपेंडेंट वे में भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो मुझे आपको बताना था मैं आपको बता चुका, और इसी सीक्वेंस से और इसी स्ट्रेटजी से अगर आप अपने 12th के साथ में पढ़ते रहोगे और 11th को कंप्लीट करते रहोगे, तो जिस दिन नीट का एग्जाम आएगा, जब आपके 12th के बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे, जब आपका रिविजन वाला जो फेज आएगा, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला फेज आएगा, उस टाइम पे आपका ये किया हुआ काम आपको बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट, और आपके नीट के एग्जाम के लिए आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करोगे उस टाइम पे। तो ये था इस वीडियो में हमारी तरफ से आपको गाइडेंस। ऐसे ही अगर आप इसी स्ट्रेटजी से चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हो स्टूडेंट्स 12th के साथ में ही, और इसी सिस्टमेटिक वे में और इसी गाइडेंस के साथ में जो अभी मैंने आपको वीडियो में दी, और ये पूरे साल भर अगर आप करना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है जो हमारे ऐप का है, प्रेप ऑनलाइन ऐप का, उस पर क्लिक करिए। और उसमें क्लिक करने के बाद में उसमें कई सारी विंडोज हैं, उसमें कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज में एक कोर्स है जो आपके लिए है, वो है गियर अप नीट 2022। तो उस गियर अप वाले कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे वीडियो लेक्चर्स, यानी कि जो हम लेक्चर्स पढ़ाते हैं, उसके अंदर आप जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा करिए, बिल्कुल आइए और अपने 12th के साथ प्रिपरेशन को, 11th वाले जो चैप्टर्स हैं उनको आप अपने आप में स्ट्रांग कर लीजिए। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर दो, और कुछ बात कहनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो स्टूडेंट्स। और ऐसे ही वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।